आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। कॉमेडियन एक्टर राजू श्रीवास्तव दिल्ली में एम्स के आईसीयू में वेंटिलेटर पर हैं। उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। 58 वर्षीय स्टैंडअप कॉमेडियन को बुधवार को दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था और बाद में उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजू श्रीवास्तव की हालत गंभीर बनी हुई है और आईसीयू में वेंटिलेटर पर है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कॉमेडियन का इलाज एम्स में कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नीतीश नाइक कर रहे हैं। राजू श्रीवास्तव के चचेरे भाई अशोक श्रीवास्तव ने बुधवार शाम कहा था कि व्यायाम के दौरान उनको दिल का दौरा पड़ा। वो नियमित व्यायाम कर रहे थे और जब वो ट्रेडमिल पर थे तो वो अचानक गिर गए। उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्हें तुरंत एम्स अस्पताल ले जाया गया। उनकी पत्नी शिखा श्रीवास्तव दिल्ली पहुंची हैं। 1980 के दशक के बीच में मनोरंजन उद्योग में एक्टिव रहे राजू श्रीवास्तव को 2005 में स्टैंडअप कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के पहले सीजन में भाग लेने के बाद पहचान मिली। वो मैंने प्यार किया, बाजीगर, बॉम्बे टू गोवा रीमेक और आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जैसी हिंदी फिल्मों में दिखाई दिए। वो बिग बॉस सीजन के कंटेस्टेंट्स में से एक थे। राजू श्रीवास्तव फिल्म विकास परिषद उत्तर प्रदेश के वर्तमान अध्यक्ष हैं।